हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एक नई वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी आपके नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NTRO के नाम से भी आप जानते होंगे, और वैकेंसी का नाम है टेक्नीशियन ए की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन की भर्ती है। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो है 10th+ ITI। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, कैसे आपको भरना है फॉर्म। साथ ही हम यहाँ पर आपको बताने वाले पूरा डेमो। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक फॉर्म भर के आपको पूरा दिखाना है कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेगी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट अपडेट, कट ऑफ वीडियो, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, और साथ ही दोस्तों स्टडी मटेरियल, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपको सरकारी नौकरी से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको स्मार्ट नौकरी चैनल पे मिल जाएगी। चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, अगर आप हमें रिकमेंड करते हैं या फिर हमें मैसेज या मेल के थ्रू पूछते हैं कि सर हमें इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दीजिए, तो अगर हमने इस वीडियो में नहीं बनाया तो हम आपके लिए जो है आपके कहने पर एक अच्छा सा वीडियो भी बना देंगे, जो भी आपको नीडेड होगी, जैसा भी आपको चाहिए होता है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर न करते हुए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की आपको जो है क्या क्या जो है चीज़ें लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे 71। जी हाँ दोस्तों, 71 पोस्ट है टोटल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 3 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, 3 तारीख से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और जो इसकी लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है दोस्तों आपको 23 तारीख। जी हाँ दोस्तों, 23 तारीख तक दी गई है, और वो भी सुबह की डेट है दोस्तों। तो 23 तारीख को शाम तक मत याद कीजिएगा, 23 तारीख के सुबह 10 AM तक दिया हुआ है। तो आप PM वगैरह मत सोचिएगा, यानी 23 तारीख से पहले अगर आप भर दें इस फॉर्म को तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि लास्ट डेट का आपको इंतजार ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसमें एज लिमिट की, तो सबसे मिनिमम जो एज है वो है 18 साल, और मैक्सिमम जो एज है आपकी 27 साल चाहिए। और आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी ऑब्वियसली दोस्तों, जो भी SC ST OBC जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, आपको छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो उसकी चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको बताएंगे डिटेल से। देखिए यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, देखिए एग्ज़ाम नेम, टेक्नीशियन, ये पोस्ट कोड नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ITI यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर वगैरह सब भरा जाएगा। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेंगे आपसे, फिर एक परमानेंट एड्रेस पूछेंगे। ये दोनों भरने के बाद आपको जो है आपका सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे 10th का मांगेगा आपको, फिर आपको कितने परसेंटेज आए हैं वो सब लिखना होगा। उसके बाद 12th में आपको कितने परसेंटेज हैं, पूरा डिटेल्स जो है आपको भरना होगा। और उसके बाद इस अंडर क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ITI लगेगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा ITI का, कौन से ट्रेड में आपने पास किया है, कितना टोटल नंबर है, NCVT है, SCVT है, और कितना परसेंटेज है, सब कुछ यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है आपका लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज पूछेगा, येस और नो करना रहेगा आपको वहाँ पे। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी में आपको देखिए 3 सिटी दी जाएगी, जिसमें आपको चूज़ करना है आपके डिपेंड पे। यहाँ पे देखिए इन्होंने पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु चुना है, तो आप अपने हिसाब से जो भी सिटी आपको लगती है इंपॉर्टेंट वो सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगने वाली है उसे आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें क्या रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है पहली चीज़ फोटो साइन, तो मैंने आपको बता दिया। पहले उस चीज़ ये हो गई, 10th का मार्कशीट लगेगा, PDF फाइल लगेगी दोस्तों, और सभी PDF फाइल आपको 120 KB से लेकर 200 KB के बीच में चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में काफ़ी समय जा रहा है स्टूडेंट्स का, 12वीं का सर्टिफिकेट भी लगेगा। 3 नंबर पे आ जाए तो SC ST जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो लगेगा, और 4 नंबर पे आ जाए तो आपका ITI का मार्कशीट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ITI का मार्कशीट लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट मत डाल दीजिएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको PDF फाइल में चाहिए 120 से लेकर 200 KB के बीच में। तो आपको इसी फॉर्मेट में जो है अपलोड करना होगा, तभी जाके जो है आप स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, एक बार अगर आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट की उसके बाद आपको डायरेक्ट इसी फॉर्म को भरना है, कहीं पर भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ही बार में आपको पूरा फॉर्म भर देना है, और आपको उसको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आपको समझ में आएगा कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। बट कुछ भी डाउट्स आपको लगता है, कुछ भी पूछना, आप फॉर्म भरकर स्टार्ट कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट्स आएगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हम आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।